दोस्तों टेक्निकल प्रेजर में आपका स्वागत है और मैं फिर से आप सभी के लिए आज को गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ चुका हूँ। दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सैमसंग से कि दोस्तों सैमसंग जो है वो शायद बहुत ही जल्दी अपने सैमसंग गैलेक्सी M52 वाले स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। और फाइनली दोस्तों आज इस स्मार्टफोन की ऑफिशियल जो लॉन्च डेट है ये लिख होके आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी M52 वाले स्मार्टफोन है ये फाइनली दोस्तों 28 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। दोस्तों क्या आप इस सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी M52 वाले स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टेक न्यूज की ओर जो कि निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से कि दोस्तों जो रियलमी की तरफ से अपकमिंग रियलमी नार्जो 5i वाला स्मार्टफोन है ये तो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और अगर दोस्तों हम माई स्मार्ट प्राइस की लीक की माने तो बेसिकली दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये शायद आपको 9000 के अंडर में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं इस रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी नार्जो 5i के बारे में और क्या खास फीचर्स लेके आती है मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों आप मुझे आज कमेंट में ये जरूर बताना क्या आप रियलमी की तरफ से आने वाले ये अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो। दोस्तों लग जाते यहाँ पे पोको की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों पोको जो है वो शायद 30 सितंबर को एक अपना नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आज एक खबर निकल के आ चुकी है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि दोस्तों पोको जो है वो शायद 30 सितंबर को अपना एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। तो देखते हैं इस पोको की तरफ से अपकमिंग नए स्मार्टफोन के बारे में कुछ खास डिटेल्स वगैरह निकल के आती है क्या नहीं। इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चले मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे शाओमी की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों जो शाओमी की तरफ से अपकमिंग शाओमी मी 11T और मी 11T प्रो वाला स्मार्टफोन है ये दोनों ही स्मार्टफोन शायद आपको अक्टूबर 2021 में देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आज एक लीक निकल के आ चुकी है जिससे कि बेसिकली ये जो डेट है ये कंफर्म होकर आ चुका है। तो देखते हैं शाओमी की तरफ से आने वाले ये दो नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है। इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको आने वाले कल के टेक न्यूज़ में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे ओप्पो की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों ओप्पो जो है उसने आज अपनी फाइनली एंट्री लेवल स्मार्टफोन ओप्पो A16 को लॉन्च कर दिया है। और बेसिकली दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में एक मीडियाटेक का हेलियो G35 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये 14,000 rupees में लॉन्च हुआ है। और साथ ही दोस्तों इसकी इमेज वगैरह है वो तो शायद आप स्क्रीन में देख पा ही रहे होंगे और आप मुझे आज कमेंट में ये जरूर बताना आपको ये ओप्पो की तरफ से आने वाले ओप्पो A16 वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी टेक न्यूज़ की ओर जो कि निकल के आ रही है मोटोरोला की तरफ से कि दोस्तों मोटोरोला की तरफ से जो अपकमिंग मोटोरोला मोटो E40 वाला स्मार्टफोन है ये दोस्तों फाइनली आज मलेशिया के सिरिम सर्टिफिकेशन के ऊपर सर्टिफाइड हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये जो मोटोरोला की तरफ से मोटो E40 वाला स्मार्टफोन है ये शायद हमें बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं इस मोटोरोला की तरफ से अपकमिंग मोटो E40 के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आते हैं। इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक्निक्स पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।